दोस्तों तो अभी मैं आ चुका हूँ नवीन पार्क, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क के पास। और चलिए इस पार्क के अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो बेली रोड में पंचमुखी हनुमान मूर्ति है वहाँ से आप आना चाहें तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, और टिकट मैंने ले लिया है, टिकट मात्र 5 रुपया है। और पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ पे कुछ इस प्रकार का सीन है बाहर से, चलिए अंदर चलते हैं और पार्क को घूमते हैं। यहाँ पे सर हैं, सर से पूछ लेते हैं, पार्क के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार शर्मा है। और ये भी बता दीजिए कि टिकट का प्राइस किस किस प्रकार से है, अगर लोग वॉकिंग के लिए आना चाहें, अगर डेली आना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। और सुबह 5:30 बजे पार्क खुलती है, 5:30 से 8 बजे तक फ्री कॉस्ट है। उसके बाद 8 बजे से 7 बजे तक टिकट लगता है, टिकट का 5 रुपया कीमत है, और समय से खुलता और समय से बंद होता। अच्छा ये भी बता दीजिए किसी भी दिन को क्या ये पार्क बंद होता है क्या? मंगलवार का साप्ताहिक हम लोगों का पार्क बंद ही रहता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए दोस्तों देखिए ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है। ये सीन आप देख सकते हैं, मैंने टिकट खरीदा था मात्र 5 रुपये का। इस पार्क का टिकट है मात्र 5 रुपया, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क राजवंशी नगर पटना। इसे सजाया गया है, ऊपर में एक सुंदर सा पुल है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैट करके चिल करते हैं। यहाँ पे बांस का भी पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ, और इसके पास आकर के आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, वाह क्या बात है। इन सभी जगहों पर आकर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। बीच बीच में चलने के लिए ये फुटपाथ भी बनाया गया है, आप देख सकते हो। और इसी प्रकार का पार्क का सीन है, मैं थोड़ा थोड़ा सीन आपको दिखाते चलता हूँ। और यहाँ मात्र 5 रुपये देकर टिकट आप इस पार्क में आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन जिम है, यहाँ पे आकर के आप कसरत वगैरह भी कर सकते हो इस नवीन पार्क में मात्र 5 रुपया दे करके। ये देखिए दोस्तों अभी मैं पार्क के अंदर में हूँ और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते चलता हूँ। ये पार्क दोस्तों 2017 में ही बनकर तैयार हुआ है और छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं चीज़ों का भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पार्क जब ग्रीन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे हर एक चीज़ है, ग्रास वगैरह सब कुछ एकदम ग्रीन है और हर एक तरफ फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं साथ साथ में आपको ये भी बताते चलता हूँ कि अगर आप किसी भी जगह पर जाते हैं पार्क वगैरह या घूमने वाले जगह पर, तो उसके बारे में आप जब गूगल में लिखेंगे उसका नाम तो आपको उसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग में। तो आप कहीं जाते हैं तो एक बार गूगल में सर्च करके देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि ये कितना से कितना बजे तक खुलता है, कौन सा दिन बंद रहता है। ये फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो नवीन पार्क है मंगलवार को बंद रहता है जैसे कि मैंने सूचना में पढ़ा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो नवीन जी थे जिनके नाम पर ये पार्क बना है उनका प्रतिमा है, चलिए मैं बगल से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ नवीन सिन्हा
जी का स्मृति और इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. दोस्तों आप इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन मेरा वॉइस इस वॉइस से मैच नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो वीडियो का क्लिप का जो आवाज़ था वो किसी कारण से चला गया और वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फीडबैक देख रहा था, ये फीडबैक था पार्क के बारे में कि ये पार्क कैसा है। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तो बच्चों को खेलने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है और मात्र 5 रुपया दे करके आप इस तरह के पार्क में आकर के इंजॉय कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन आपको तो मिल ही गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।